कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। भारत में सब कुछ है जो देखने लायक है। भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें भी हैं जहां पर जाकर आपको एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी है जो रहस्यों से भरी है, और आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ इंडिया की 5 रहस्यमयी जगहों के बारे में, जिसके बारे में वैज्ञानिकों की क्या है राय। तो आइए चलते हैं। नंबर 5, सापगांव महाराष्ट्र। शेटपाल महाराष्ट्र के शोलापुर जिले का एक छोटा सा गांव, जो देश के किसी भी गांव से वास्तव में अलग है। शुष्क और मैदानी इलाकों में होने वाले इस क्षेत्र में कई किस्मों के बहुत सारे सांप हैं, लेकिन यहां के लोग ना तो उन्हें मारते हैं और न ही डर में जीते हैं। सांप इस जगह पर मेहमान की तरह हैं। क्या ये अजीब नहीं है? सांपों के सबसे घातक होने के बावजूद कभी भी सांप के काटने की घटना यहां दर्ज नहीं की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्थानीय देवता भगवान सिद्धेश्वर के पास सांप के काटने को ठीक करने की शक्ति है। ग्रामीण इन सरीसृपों की दृढ़ता से पूजा करते हैं और उन्हें पवित्र श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक मानते हैं। नंबर 4, तलकड़ का छोटा रेगिस्तान, कर्नाटक। कर्नाटक के हरे भरे राज्य में एक नदी तट पर एक रेगिस्तान। अब यह वास्तव में एक रहस्य है जो सभी वैज्ञानिक धारणाओं को गलत साबित करता है। कावेरी नदी के तट पर तलकाडु कर्नाटक में मैसूर जिले का एक रहस्यमय स्थान है। एक स्थान पर रेत के टीले और नदी नाले किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं, चाहे वे रेगिस्तान हो या समुद्र तट। माना जाता है कि तलकड़ एक बार लगभग 20 मंदिरों का घर रहा है, जिनमें से 5 लिंगम भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अब रेत के नीचे गहराई से दबे हुए हैं। यह एक नदी के किनारे रेगिस्तान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 16वीं शताब्दी में शिव के एक भक्त अलेमेल्ला ने इस स्थान को शाप दिया था, तलकाडु रेत से भरा रहेगा और मैसूर के राजा को कभी बच्चे नहीं होंगे। ऐसा श्राप मिलने के बाद ये स्थान तब से रेत के नीचे दबा हुआ है। नंबर 3, पश्चिम बंगाल की गोस्ट लाइट्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक डरावना एहसास देता है। पश्चिम बंगाल का ये दलदल एक खूबसूरत जगह है जहाँ बहुत सारे रहस्य हैं। अलेया लाइट्स के नाम से मशहूर पश्चिम बंगाल में दलदल के ऊपर मंडराने वाले अलग अलग रंगों की चमचमाती रोशनी के कई अनोखे दर्शन हुए हैं। ये चमकती हुई रोशनी मछुआरों को भ्रमित करती है और वे अपना रास्ता खो देते हैं, और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोशनी दलदल के ऊपर मीथेन का आयनीकरण है, जो इन दलदल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ से निकलती है। नंबर 2, मैग्नेटिक हिल लद्दाख। आपने इस जगह के बारे में तो सुना ही होगा। लद्दाख भारत में घूमने के लिए और विशेष रूप से रोड ट्रिप के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन इस जगह के कुछ रहस्य भी हैं। मैग्नेटिक हिल एक सड़क का खुला खंड है जो लेह से कारगिल के मार्ग पर ऊंचे और चट्टानी पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर आप अपनी कार को न्यूट्रल गियर में छोड़ देते हैं तो कार मैग्नेटिक हिल के डाउनवुड ढलान पर बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि कार ऊपर की ओर जा रही है। जादूगर के बिना यह एक जादू है। यह ऐसा है जैसे कोई बहुत शक्तिशाली चुंबकीय उपकरण वाहन को ऊपर की ओर खींच रहा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह से एक ऑप्टिकल भ्रम है, जो कि रास्ता एक कठिन सड़क की तरह दिखता है। यह वास्तव में ढलान पर चल रहा है, लेकिन पहाड़ों के प्राकृतिक गठन के कारण क्षितिज विचलित हो गया है और हमारे दिमाग और आंखें विचार करती हैं कि यह चढ़ाई पर चढ़ने वाली सड़क है। और नंबर 1 पर है संगा तेंजिन की 500 वर्षीय मम्मी स्पीति। हिमाचल प्रदेश में स्पीति साहसिक खेलों, ट्रैकिंग और अन्य चीजों के लिए भारत में शीर्ष स्थानों में से एक बन गया है। लेकिन क्या आप 500 साल पुरानी मम्मी के बारे में जानते हैं? 500 साल पुरानी एक मम्मी जिसकी त्वचा, बाल और दांत बरकरार है, अंधेरे के साथ तना हुआ त्वचा
बालों का एक अखंड सिर और अच्छी तरह से सुरक्षित रूप। वह एक पैर के चारों ओर अपनी मुट्ठी के साथ मजबूती से बैठता है, थोड़ी उसके घुटने पर आराम करती है। संग टेनिसन को मरे हुए 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अनुष्ठान, जो यमगाता में सबसे अधिक समर्पित और सक्षम आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा 11वीं और 19वीं शताब्दी के बीच किया गया था, जो आत्मज्ञान के उच्चतम रूप तक पहुंचने के लिए खुद को बहुत धीरे धीरे मौत के लिए भूखा रखेगा। वे पूरी तरह से अपने वसा भंडार को समाप्त करने के लिए केवल जड़ों, नट और जड़ी बूटियों को शामिल करते हुए एक पूरी तरह से वृक्ष आधारित आहार खाएंगे। जब भिक्षु की मृत्यु हुई, तब तक शरीर वसा से रहित था और अंगों का आकार इतना सिकुड़ गया था कि शरीर विघटित होना शुरू नहीं होता था। इस प्रकार भौतिक रूप का संरक्षण होता था। तो ये थे भारत के 5 रहस्यमय स्थान और उनका वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया सिद्धांत। आपको कैसी लगी ये जगह, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और रहस्यमय और अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कही अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।